इम्तियाज़ जैसा मैं मेरी बीवी तुम मुझे मनाने तक नहीं आए मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मैं मनान आना सी मैं सिर्फ चॉइस अप होना बीवी मनान के तरीके पूछ रहे हैं सा दो रह गए ने मैं पूछ लूंगा तो मैं आ रहे ये तुम्हारी बीवी है हाँ जी तो और कैमरे की सफाई सही से बताओ बोल बात नहीं करेंगे तुम्हारी बेगम है हाँ जी वेरी गुड बड़ी 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 मैं तो समझ रहा था तुम छड़े आदमी हो ये तेरी बीवी है हाँ जी ये तो मरी रोड दे तोते रह के फाला नहीं काट दी अच्छा सब तुसी कह रहे सुना ए वो बीमारी जड़ी मेनू लगी खर्चे दी सूरत च जना थोड़ी जी मेरी तनख्वाह वधवा दियो देखो हुण पहली गल ते है जी कि जदों एक बंदा सच ना बोले तो ओदी दूसरी गल ते केड़ा एतबार हो सकदा है कि तुसी उहनां नूं कहा कि मैं बीवी मनाण दे तरीके सिखणा है ते तुसी बीवी मनाण दी मेरे नाल गल ही नहीं कीती वड्या अजिदे महंगे तेरी बुढ़ी ने कपड़े पाए ने तेरे कोल खर्चा पूरा नहीं अच्छा चौधरी साहब रूठे सियासतदानों को मनाने का माहिर है मसालत के माहिर है आप बीवियों वाला चक्कर कहां से लेके आ गए यार वो बेचारी का कम अज कम मौलाना साहब ने गलत ठीक की मौलाना साहब की हर बात ठीक है एक महीना हो गया मुझे घर नाराज बैठे और तुम यहाँ गवर्नर साहब के गोडों के साथ लगे बैठे हो जरा मैं तो बरकत आस्ते बैठा जनाब नहीं ये तो मेरे गोडियां च बैठ आया कौन है बरकत नहीं बरकत जड़ी है इधरों मैंने मिलनी है इनसे अगर कुछ लेने है ना तो अपनी तनख्वाह बढ़वाओ तनख्वाह मैडम इन्हां दी 15% वध गई है लेकिन ये बड़े सियाने ने बीवियों नूं सच्ची गल दस दे ने ओ तो तुसी क्यों दस रहे क्या सुन रहे हो नहीं कह तो ठीक रहे ना लेकिन उहदे सामने क्यों दस रहे हो सर गवर्नर साहब इनसे इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां गे घर ही नहीं आते हैं ओ मैडम ये ड्यूटियां दे बहाने लांदे आ एक पता कर किते होर जांदे होने ईद के दिन भी तुम और तुम्हारी नौकरी मैं तंग आ गई हूं इंसाफ से ए तो वैसे सही कह रही ईद वाले दिन भी 11-11 घंटे सर नौकरी करनी पै रही ये आप देखे आपका मियां एक नंबर का बप्पी दा भी है मैंने जाकर तकरीर कर रही थी मोरा वार जा रहा मरी को क्रॉस कर रहा था मरी मेरा घर है मैं साबित बोला हूँ पाकिस्तान हूँ और नवाज शरीफ का मैं राइट हैंड हूँ और इसको मैंने भेजा जाकर देखो सारे ब्लॉक भी बढ़ जा रहे हो उसने उसको फेंट के छोड़ दिया ये देखे इसके क्या करूँ भाभी एवं तू ब्याह करा लिया चंगा भला अपने पिंड तू गलीचे उड़नी क्या कर रही है वो शाम का आजम ने गवर्नर साहब आप ही बताएं घर का ना आटा ना दाल कुछ पूरा नहीं हो रहा आटा चीनी दाल तेरा पूरा नहीं हो दिया मेकअप तू इंज कीता जिवें मिस्र दे बाजार च तू गिटारा बेचनी महंगाई और इसके घर ना आने की वजह से मैं एंजाइटी का शिकार हो गई हूँ मेरा सर चकराने लग जाता है जानू ठीक है ना मैं बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं को देख लो वो कोई बस अच्छा जा रहे हैं अच्छा जानो मेरे कहने के बीच उसे मुंह उधर कर लेंगी और तुसी कह के देखो नहीं मेरा ख्याल है वो साडे साबक वजीर आजम बैठे ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਕੁੱਗੂ ਕੋੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਓ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਦੂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੀ